अस्सलामुअलैकुम तुहानू सारे नाल आए ब्लॉग दे दोस्तों अज असीं आए होए आ कोट मखदूम दे अंदर जिहड़ा साडा सप्ताह दी ट्रेंड है असीं पहले इत्थे रहिंदे सीगे अज तुहानू असीं आदे पिंड दी सैर करावांगे ना तुहानू दरिया दी वी सैर करावांगे चलो साडे नाल दरिया सतलुज ते असीं जा रहे हैं उत्थे जाके तुहानू विखावांगे कि आपकी इह इलाका जिहड़ा हैगा है बहावल नगर दा नज़दीकी पिंड पैंदा है कोट मखदूम और इस पिंड दे विच जिहड़ा इत्थों दा पानी है ना थल्ले वाला बहुत ही खारा है क्योंकि असं हम दरिया से जा रहे हैं उत्थे सीधा मिठा पानी लेके आवेंगे दरिया का और भाइयों के नाल खूब मस्ती करेंगे खूबसूरती दिखावेंगे साडे पिंड कोट मखदूम की पहले असं पेट्रोल पवा रही है दोस्तों ये है बहावल नगर का जो करीबी गांव है कोट मखदूम वहाँ पे भी रस्तर वाली बहनी उसकी है मस्जिद भी उस मस्जिद यहाँ पे ये बनी हुई है ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पीली लगी हुई है दोस्तों ठीक है इसके साथ साथ अभी हम बिल्कुल दरिया के करीब करीब पहुँचने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ये पीछे कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ वहाँ पर आप दूर देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है नज़र भी आ रहा होगा कैमरे के अंदर अगर नहीं आ रहा तो मैं आगे चल के दिखा देता हूँ वहाँ पर दरिया का आपको रेत नज़र आ रही है यहाँ पर जो आ गए हैं जो दरिया की तरफ ही सड़क जा रही है और जहाँ पे हम नहीं जाने वाले इससे आगे एक और सड़क है हम उस सड़क को के रास्ते के ऊपर जाएंगे और दरिया के ऊपर वहाँ पे पानी का नलका लगा हुआ है और नलके के ऊपर हम जाएंगे और दोस्तों आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर मुकम्मल तौर पर इंटरटेनमेंट मजे के साथ। अरे भाई आगे ट्रैफिक तो देख ले। अबे ट्रैफिक देखो ट्रैफिक देखो ट्रैफिक देखो इन्हें रेड सिग्नल दो भाई रेड सिग्नल दो इन्हें क्या हाल है चेक करो आ गया भाई सबसे पीला आ गया ये क्या की हुई ले कौन क्या की बच्ची इस वीडियो है कम दोस्तों ये मच्छे का मोटरसाइकिल पंचर हो गया इधर भी तीली लगी हुई है दोस्तों यहाँ पे दरिया का जो करीब करीब इलाका है यहाँ पर तीली बहुत ज्यादा लगी हुई है इस साइड पे भी देख सकते हैं तीली लगी हुई है साथ में ज्वार आ गई है दोस्तों बता भी तो ज्वार जो होती है इसको चारा कहा जाता है जानवरों के लिए इसको कटाई करके टोका वाली मशीन जो होती है इसको करके जानवरों को चिपका खिलाया जाता है उसके अंदर साथ में थोड़ी मिक्स करके खिलाते हैं दोस्तों यहाँ पर फौजी का सामान है दोस्तों इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर धान काश्त की जाएगी दोस्तों इस वक्त साथ में ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं ट्रैक्टरों के ऊपर भी यही काम जारी है दोस्तों ये धान के लिए तैयार कर रहे हैं यहाँ पर लोगों ने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं दोस्तों यहाँ से पानी खींचने के लिए यहाँ पर दरिया का पानी आता है इस साइड पे देख सकते हैं इस वक्त दरिया है दरिया दोस्तों दरिया से पानी निकालने के लिए जो इसको झट्टे का पानी कहा जाता है दोस्तों दरिया गुजर रहा होता है और वहाँ से एक पाइपों के जरिए इसका पानी खींचा जाता है दोस्तों ये वहाँ पर प्लेटें लगी हुई हैं इस वक्त आप देख सकते हैं और हम यहाँ पर दरिया के ऊपर मौजूद हैं इधर भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं और यहाँ से पानी भरा हुआ आ चुका है और जो बच्चे का मोटरसाइकिल था वो पंचर हो गया था यहाँ पर पानी भरते हैं उस वक्त ये पानी लेके आ रहा है कैन हम रखते हैं ऊपर दोस्तों और ये नलका लगा हुआ यहाँ का पानी बड़ा मीठा होता है दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं दरिया की तरफ और आपको दिखाते हैं इस वक्त जो दरिया है दरिया सतलुज है ये आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो सोलर प्लेटें लगी हैं वो भी आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग के अंदर दोस्तों हम दरिया पे जा रहे हैं ये तकरीबन हमसे 10-20 कदमों पे दूरी पे हमें दरिया खड़ा है वहाँ पे आपको दरिया के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि पता नहीं है दरिया में कुछ भी हो सकता है तो जो ये मजाक करते हैं और ये व्लॉग वीडियो के चक्कर में अंदर चले जाते हैं वो फिर अंदर ही चले जाते हैं अंदर जाने का बस बिल्कुल ऊपर ही चले जाते हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नीचे देख दोस्तों ये दरिया सतलुज है इस वक्त मैंने कैमरा घुमा दिया है और आपको दिखा रहा हूँ दरिया सतलुज को ठीक है यहाँ पर लोगों ने किस तरीके का इंतज़ाम किया हुआ है सोलर प्लेटें साथ में लगाई हुई हैं दोस्तों लोगों ने और सोलर प्लेटों के जरिए वो दरिया का यहाँ से पानी निकालते हैं और निकाल के अपनी फसलों को जो फसलें काश्त करते हैं उन फसलों को वहाँ पर पानी लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो पानी है बिल्कुल ही मुफ्त पड़ता है क्योंकि लोगों ने ये सोलर वाला काम किया हो ना इससे इनका काम ज़बरदस्त हो चुका है मैं अभी आपको ये लो दिखा देता हूँ इस वक्त बिल्कुल मैं यहाँ पर सोलर पर आ गया हूँ ठीक है और यहाँ पर एक प्लेट टूटी पड़ी है ये कोई अंधेर अंदर आया उस वजह से टूट गई और ये सिस्टम लगा हुआ उनका सोलर वाला सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये पानी निकालते हैं दोस्तों गिर जाएगा भाई गिर जाएगा दोस्तों पानी दरिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर पानी खुश्क हुआ पड़ा है बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा पानी है दरिया के अंदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोग जानवर भी लेके आते हैं इधर
जानवर यहाँ पे पानी पीते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। खुली जगह होती है, खुला सा माहौल होता है। और अभी हमने इधर दरिया सतलुज आपको दिखाया दोस्तों, अभी हम वापस चलते हैं। और लो जी दोस्तों, यहाँ पर इधर देख सकते हैं कि पानी आगे भी रखा जा चुका है, पीछे भी रखा जा चुका है। बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर दरिया से पानी भरने के लिए, यहाँ पर पीने के लिए पानी मुयसर नहीं है, मीठा पानी। और वहाँ पर जो पानी होता है वो खारा पानी होता है। अच्छा वो दोस्तों, चल पानी भरा पड़ा था। जो लड़का पानी लेने के लिए आया था उसका वो भाई था, ठीक है, उसका मोटरसाइकिल हो गया पंचर, वो पंचर लगवाने गया दोस्तों। और अभी हम लोग पानी लेकर जा रहे हैं दूसरे मोटरसाइकिल पे हैं, और साथ में हमने सोचा कि ब्लॉग बना ले दोस्तों। अच्छा उम्मीद करे नहीं है दोनों वाला थोड़ा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, उम्मीद थोड़ी होती लेकिन कर देवे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।